न लास्ट वीडियो रे हमें इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स विषय डिस्कशन कले तो लेट अस नाउ डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस जो थे की सही इक्वेशन गुडा को यूज करके हमें किछटा कैलकुलेशन करकेल्कुलेसन तो ये हमरा फर्स्ट एग्जांपल देखो द क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट एक्सेरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड द डिस्टा ट्रावेल बै द पार्टिकल इन द फर्स्ट टू सेकेंड्स हाउ मच टाइम डज इट टेक् टू रिच अ भेलासीटी अफ सेवेन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड एंड हाउ मच डिस्टेन्स इट व्विल कवर इन रिचिंग द भेलासी अफ सेवेन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड एति की क्या कर प्रथम देखने क्वेश्चन में कौन कौन डेटा अच्छी इनिसीयल भेलासीट टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड तो दैट मीन यू 2.5 तो ये मोशन एक्स डायरेक्शन हो दिस् तो इज आवर ओरिजिन तो एक्स डायरेक्शन एनिथिंग टू द रेटा पजिट ना दिस इज आवर कन आदि लेफ्ट को किसी डायरेक्शन रहा नेगेटिव नवा तो सीन्स इनिशियाल भेलसीटी डायरेक्टेड टूअार्डस पॉजिट एक्स डायरेक्शन ट्यूटा मार्क टू पॉइंट फाइव नहीं चीज लेफ्ट को था डायरेक्शन को लिखता माइनस टू पॉइंट फाइव आउ इट स्कोर तो एक्सेरेसन द जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो अगेन एक्सेलरेशन हियर इज आल्सो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो तार वैल्यू को भी पजिट नि तो ये फर्स्ट बिट्रेमुक कौन पचार्टीट्रेम कैलकुलेट कर व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्टा बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट टू सेकंड्स तो डिस्टेंस ट्रावेल माने यू वांट टू फाइंड आउट एस आउ टाइम देसी टू सेकेंडस दुई सेकेंड रेत डिस्टास्ट देख आम कौन कौन जाने आम यू जाचे ए जानचे टाइम देचे एस पचार

So, this is ut plus half a t square, ura value 2.5, t am 2 seconds plus half into euro value which is 0 0.5 into t square, t square is 2 seconds or a square. So, if we just do this calculation, 2.5 into 2 is 5 plus a t h which is half into 0.5, this is 1 by 4, 2 square tahala 4. तो फोर इंटू वन बोर दैट इज वो एस इज इक्वाल टू सिक्स आ रूनिट रिटर बिकजें भेलासीटीटा नहींचे मीटर पर सेकेंड रे एक्सेलेसन को नौ मीटर पर सेकेंड रे टाइम को नहींच रे तो से अनुसार डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट इज अल्सो अब इन मीटर तो डिस्टेंस ट्रावेल बै द पार्टिकल इन द फर्स्ट टू सेकेंडस इज सिक्स मीटर नाउ लेट अस सी

आईटा रिच करने के मैं टाइम टी वी हाव टू कैलकुलेट तो अगेन डेटा को देख वी हाव यु एल्यू जान सो टू डू दिस कैलकुलेशन वी हाव टू मेक यूज अ ए टी बिटवी इज भि इज इक्वाल टू यू प्लस ए टी दिस् वाज वफ द इक्वेस अफ कईनेटिक्स तो ये आमको टाइम टी पचार So, we can just rearrange all the terms and write t as v minus u by a. So, it is v value is 7.5, u ra value is 2.5, our acceleration is 0.5. So, putting all the values together, 7.5 minus 2.5 is 5, 5 divided by 0.5 is 10. So, time task is 10. unit unit It is seconds. तो तुम जो कैल्कुलेसन कर यूनिट गुडा कनसीस्टेन्ट रहा दरकार सिंस वी हाव टेकन इन मीटर पर सेकेंड एक्सेलेसन एज मीटर पर सेकेंड स्क् टाइम टा भी आम सो इट टेक्स टेन सेकेंड्स टू रिच अ भेलासीट सेवेन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द थर्ड वन हाउ टू डू द थर्ड कैलकुलेशन तो थर्ड बिट्रे हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रिचिंग द भेलाट्टी ऑफ़ 7.5 पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड तमान अगेन फ़ाइनल भेलासीटी सेवेन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड बट वी हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इट व्वैल रिचिंग दैट भेलासीट तो डिस्टेंस कवर पचार मैंने एस रैल्यू आमको बाहर कर तो मार्कर डेटा कौन कौन अच्छी तुम यू रैल्यू जान ए रैल्यू जान भि जान एस पचारो दी रिलेसन दट यू क्या यूज इज देश भि स्क्वयर

divided by 2 times a is 0 0.5 so if you now calculate this you will get s equal to 50 meter so in the process of reaching the velocity of 7.5 meter per second it would have covered a distance of 50 meter so this is how we can use the equations of kinematics for such simple calculations क्वेश्चन गुड देखो डेटा कौन दे एस एंड कौन एंड जान यू टेक् दोज क्वांटिट व्वे यू टेक्र भैल्यूज मेक स्योर यू आर टेकिंग द भैल्यूज एज पजिट और नेगेटिव एज पर अ कनभेनसन सेट बै तुम्हें निजर गोटे कन्भेनस सेट कर और अनुसार तुम पजिट कि नेगेट भैल्यूज नहीं कि रे यूज करो। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। तो ये

যদি ইনি ভেলাটি ইউ অসেলশন এ অ টাইম টোটাল টি দেইছি তাহলে হোয়াট ইজ দ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দার্টিকল ইন দ্য লাস্ট 1 সেকেন্ড তো এইটি এবার গটে ছোট জিনিস কনসেপ্ট বুঝো সপোজ দিস ইজ দ স্ট্রেট লাইন হুইচ হুইজ দার্টিকল ইজ মুভিং লেটস লেটসে টি রে পার্টিকলটা এই জায়গায় দিস ইজ ইনিশিয়াল পজিশন হোয়ার হ্যার দার্টিকল ইজ প্রেজেন্ট অ্যাট টি ইকুয়াল টু 0 এবার ধর এই করি যেতিকল গোটে ডাইরেকশন যাইছি আফটার টাইম টি তার ফাইনাল পজিশন এইটি আসছি তো টি পূর্ণ গোটে টি মাইনস ওয়ান সেকেন্ড বি যাই যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর টাইম আগে যাচ্ছি সেকেন্ডস যাচ্ছি তাহলে বিফোর ইউ রিচ টি সেকেন্ডস তার গোটে সেকেন্ড পূর্ব তোমার টাইম হয়ে মাইনস ওয়ান সেকেন্ডস

we will find the total displacement in t second then we will find the displacement in t minus 1 second so total displacement ta a to a jay Aow t minus 1 second displacement hala initial row a So, to. to jadi a difference jibha, that difference is equal to this s1 so i can simply say that this displacement s1 is displacement taken place in t seconds minus the displacement that is taking place within t minus one second to say to the last one second re get the displacement hg now to find these displacements we have to make use of the given quantities the so, corner initial velocity time dh acceleration so if you know initial velocity u acceleration a and time t एस को हमें लिखुचे यु यूटी प्लस हाफ दिस इज वन ऑफ आवर इशन अफ कमेटिक्स ए इक्वेशन टाइम यूज लिखिबा देखो तो एस इन टी तार वैल्यू हम यूटी प्लस हाफ इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस इन टी टी माइनस वन डिस्प्लेसमेंट है जी which is s t minus 1 taku kon lakiba taku lakiba u into t minus 1 t jagara t minus 1 plus half a into t minus 1 the whole square so this is the total displacement reached in t minus 1 seconds so by a difference this will give us the value of s1 which is the displacement in the last 1 second तो यही एक्सप्रेशन को तुम्हें सीम्प्लीफाई कले पाइब दिस् इक्वाल टू यु मैनस ए बैटू प्लस ए टी तो विल गेट दिस् कैंड अफ एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट व्वान सेकंड तो ये क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट पार्टा अच्छी जो थे कि यू ए रैल्यू वैल्यू को लेकिन एस ओन रुलेसन कर तो दैट इज वेरी सिंपल नाउ वी कैन जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज in this expression. So evaluating the second part, Amaceti displacement in the last one second is equal to U, Euro value is 5 meter per second minus A by 2, of value is 2 meter per second. So A by 2 is 2 by 2 plus A t, so Euro value is 2 into time is 10 seconds, time is 10 seconds. So if you just calculate this, this comes out to be 5 minus 1 plus 2 into 10 20. So this is 24 meter. So these are simple applications of the equations of kinematics. We will see many such more applications while we solve the exercise.